नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज 17 अक्टूबर 2019 है और 17 अक्टूबर 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और आप हमें खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, खबरी ऐप पे प्रतिदिन इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है और ऑडियो सुनकर आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। और खबरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को फेलो ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस की उपाधि दी गई है? ठीक है, तो बिहार के प्रोफेसर रंजीत वर्मा को फेलो ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस का उपाधि दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रोफेसर रंजीत वर्मा मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और इन्हें यह सम्मान यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बेंगलुरु के द्वारा दिया गया है, और दोस्तों ये जो है ये मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अब नाम है मुंगेर का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं मुंगेर कहाँ पे है। ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा आपका मुंगेर जिला। मुंगेर जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए बेगूसराय है, खगड़िया है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है और लखीसराय है। फिर से देखे हैं, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई और लखीसराय। अब नाम आया मुंगेर का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। मुंगेर जिला का स्थापना 1832 में हुआ, क्षेत्रफल 1419 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 1,367,765 व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व 964 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और साक्षरता दर है 70.46%। लिंगानुपात हो गया 876 महिला प्रति 1,000 पुरुष। यहाँ का प्रमुख नदी गंगा, मोहानी, हरोहर और किउल है। बंदूक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मुंगेर और ITC का बड़ा सिगरेट फैक्ट्री है मुंगेर में। और नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर रखी थी। और बिहार में आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। मीर कासिम मुंगेर में बंदूकों और तोपों का कारखाना स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में वीर लोरिक समारोह का आयोजन किया गया है? तो वीर लोरिक समारोह का आयोजन किया गया है सुपौल जिला में। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अब नाम आया सुपौल जिला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं सुपौल जिला कहाँ पे है। ठीक है, ये आ गया आपका बिहार का मैप और ये रहा आपका सुपौल जिला। सुपौल जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए मधुबनी है, सहरसा है, मधेपुरा है और अररिया है। ठीक है, मधुबनी है, सहरसा है, मधेपुरा है और अररिया है। और ऊपर का क्षेत्र देखा जाए तो ये नेपाल का क्षेत्र है। तो सुपौल जिला का सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी सटा हुआ है, नेपाल देश से सटा हुआ है। अब नाम आया सुपौल का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सुपौल जिला का स्थापना 14 मार्च 1991 को हुआ था। क्षेत्रफल इसका है 2,425 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 22,29,076 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व है 919 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और साक्षरता दर है 57.67%। और लिंगानुपात हो गया 929 महिला प्रति 1,000 पुरुष। यहाँ का प्रमुख फसल केला, गेहूं, धान, मक्का, मूंग और पटसन है। यहाँ का प्रमुख नदी कोसी है। सुपौल प्राचीन काल में मिथिला राज्य का एक हिस्सा था और बाद में मगध तथा मुगल सम्राटों ने भी इस पर राज किया था। और सुपौल जो है, सुपौल में एक कोसी नदी है। चलिए कोसी नदी के बारे में जानते हैं। कोसी नदी बिहार में सुपौल से ही प्रवेश करती है जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर है बिहार में। ठीक है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ से हानि कोसी नदी से होती है। और यहीं पे मतलब सुपौल जिला में ही 82 ग्राम में उदित नारायण जो कि बॉलीवुड के गायक है उनका जन्म स्थान है। ठीक है, 82 गाँव में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन महाराष्ट्र के शिरडी में होने वाले राष्ट्रीय स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है प्रेरणा कुमारी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और तमिलनाडु में हुए अंडर 17 राष्ट्रीय स्कूल वॉलीबॉल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनका चयन किसके लिए किया गया है? और दोस्तों ये जो महाराष्ट्र के शिरडी में होने जा रहा है
राष्ट्रीय स्कूल बॉलीवुड प्रतियोगिता। तो चलिए महाराष्ट्र देखते हैं भारत के मैप में कहाँ पे है। देखिए ये आ गया भारत का मैप, जूम करके देखते हैं, ये रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का सीमा और किस किस राज्य से सटा हुआ है, तो देखिए गुजरात है, मध्य प्रदेश है और हैदराबाद है और उसके बाद कर्नाटका है। ठीक है, और ये गोवा से भी सटा हुआ है। ठीक है, अब नाम आया है महाराष्ट्र का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र है तो राजधानी मुंबई हो गया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और नागपुर संतरा, मतलब महाराष्ट्र का नागपुर संतरा संतरा सॉरी नागपुर जो है संतरा उत्पादन के लिए तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र के लिए और कपास अनुसंधान केंद्र के लिए और वायुसेना मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय इतना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी जी का सेवाश्रम है। नादेड़ 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या यहीं पे की गई थी, जो कि गुल खां के द्वारा किया गया था। और अजंता गुप्त शासकों के गुफा के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा बौद्ध भिक्षुओं ने गुफा बनवाया था, एलोरा नामक गुफा है। और दौलताबाद में 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाया और औरंगाबाद औरंगजेब तथा बीवी का मकबरा के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर भारत का पहले परमाणु शक्ति गृह, जो कि 1972 में अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। ठाणे में पहली ट्रेन चली थी, जो कि 16 अप्रैल 1953 को चलाई गई थी। पुणे में फिल्म विश्वविद्यालय है। सतारा, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में सर्वप्रथम सतारा को ही राज्य हड़प नीति के तहत अपने क्षेत्र में यानी अंग्रेज के क्षेत्र में मिलाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप झा को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और प्रदीप झा बिहार संवाद समिति के भी अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे और प्रदीप झा भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के सभी जिलों में इम्यूनाइजेशन सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है, किसके लिए खोला जाएगा, तो बच्चों के टीकाकरण के लिए खोला जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए तथा टीकाकरण को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से रोशन होने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन बना है, तो सौर ऊर्जा से रोशन होने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है मगध महिला कॉलेज। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। 50 लाख रुपये की लागत से यह सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत कन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत कुमार पंकज जी को, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रशांत कुमार पंकज जी को भारत कन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कहाँ पे, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वैशाली जिला में स्थित किस झील पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी, तो वैशाली जिला में है बरैला झील, अभी वर्तमान में ये हाईलाइटेड है, तो इसी पे डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जाएगी। और हाल ही में यहाँ पे 300 प्रवासी पक्षी पहुँची है। ठीक है, और 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह झील और कहा जाता है कि भगवान राम जब जनकपुर जा रहे थे तो इसी झील के पास रुके थे। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर, चलते हैं कल के रिविजन की तरफ। तो कल के रिविजन का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस जिले के बरैला झील के संरक्षण के लिए वेटलैंड मित्र नामक एक समूह का गठन किया गया, तो वैशाली जिला में ये है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, कल का, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया, निकिता का चयन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। आज का रिविजन का क्वेश्चन है, समय पालन के मामले में कौन सा रेलवे मंडल देश में प्रथम स्थान पर आया है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा के मामले में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आपको लिंक भी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए हमारा बिहार.ca और वहाँ पे
फॉलो कीजिए चैनल को, वहाँ पे भी आपको बिहार करेंट अफेयर्स से रिलेटेड नए नए पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।